सद के हाई स्कूल के पास है। आपको बता दें कि हर एक अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलता है। और आपको बता दें गणेश पूजा को लेकर जो है लगातार जो है यहाँ पर काफ़ी भीड़ जो है दिखने को मिल रहा है। और आज आपको बता दें कि सातवां दिन है और देख सकते हैं काफ़ी जो है आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो लाइव तस्वीरें दिखा रहा है गणेश पूजा समिति के द्वारा और नवीन नवयुवक पूजा समिति के द्वारा ये किया जा रहा है। और देख सकते हैं सभापति उम्मीदवार जो है दिलीप कुमार जी, उनके तरफ से आज जो है प्रसाद वितरण किया जा रहा है। और देख सकते हैं साफ तौर पे अभी काफ़ी भीड़ जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर खुद यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कितना आनंद लग रहा है। बहुत बहुत आनंद लग रहा है। सबसे पहले तो मैं नवीन नवयुवक पूजा समिति गणेश पूजा के सभी मेम्बर और सभी यहाँ के ग्रामीण वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना सम्मान पूर्वक हमें बुलाया और आज का भंडारा उन लोगों ने मेरे तरफ से रखवाया। बहुत ही कम नसीब वालों का ऐसा नसीब मिलता है कि इस भंडारे में सहयोग करें, तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस भंडारे में मैं अपना जो भी क्षण हो दिया और जो सहयोग बन पड़ा हमने किया। इतना अच्छा लग रहा है नगर परिषद में, ये तो पहले से भी विकसित है और अब और ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ श्रद्धालु आते हैं गणेश जी का दर्शन करने और मेला भी घूमने, सभी लोग आनंद ले रहे हैं। अच्छा लग, बहुत अच्छा लग रहा है। संदेश रहेगा, संदेश यही रहेगा कि आप लोग मेला घूमने आइए, आनंद लीजिए और अपना सेफ्टी अपने अपने पास रखिए, साइकिल मोटरसाइकिल ठीक से रखिए, क्योंकि अभी सुने हैं कि चोरी का दो मोटरसाइकिल हो गया है, तो ये सब चीज़ मिला जुला के देख के अपना पूजा का आनंद लीजिए। यहाँ पर और हैं पूजा समिति के क्या हैं सचिव हैं, इनसे भी जाना है, क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया चैनल वालों को हम अपने पूजा समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहेंगे, चूँकि हमारा ये जो समिति है आप लोगों के माध्यम से ही अग्रसर हुआ है, आगे की ओर बढ़ा है और आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और अपने नवीन नवयुवक संघ के जितने भी सदस्य कार्यकर्तागण हैं, खासकर उनके तरफ से मैं भाई दिलीप कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, चूँकि इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है तन मन और धन से। और विशेष हम क्या बोलें वो आप लोगों के सामने है। कितना अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा अगर हमारे समाज में, हमारे वार्ड में, हमारे पंचायत में, हमारे प्रखंड में, जिला लेवल पर अगर कार्यक्रम होते रहे तो इससे समाज जो है गौरवान्वित महसूस करता है। देख सकते हैं हमारे साथ सचिव थे, यहाँ पर अध्यक्ष जी भी हैं, अध्यक्ष जी से भी जानेंगे क्या कुछ व्यवस्था किया गया है सर। बहुत अच्छा व्यवस्था है हमारे मेला में, सीसीटीवी लगा हुआ है। हमारे जितना वॉलंटियर है सब एक्टिव है, हम बहुत मेहनत करते हैं, इतना भीड़ होती है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सीसीटीवी देख करके भी, या मेला में घूम करके। हमारा जितना भी कार्यकर्ता है, जितना भी वॉलंटियर है, सबको हम धन्यवाद देंगे कि हमारे ये छठा दिन मेला जो है बड़ी शांतिप्रिय गुजर रहा है। कितना दिन? नौ दिनों का मेला है और पूरे हम भक्तजनों से आग्रह करेंगे कि मेला में आवे, घूमें, शांति बनाए रखें और बाबा के दर्शन करें, प्रसाद लें और आराम से अपने घर के तरफ प्रस्थान करें। गणेश पूजा पंडाल में है और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानेंगे कि कितना अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। नवीन गणेश युवा समिति द्वारा, नवीन गणेश युवा समिति द्वारा आयोजित गणेश पूजा में बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालुगण आ रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद लग रहा है। विगत दो कोरोना काल में जितना भीड़ देखने को नहीं मिला था, जो इस बार देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, बाबा भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, मेला का आनंद ले रहे हैं, पूजा अर्चना देखने। कितना अच्छा लग रहा है बाबा? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से हैं? कांटी से। अच्छा व्यवस्था, अच्छा व्यवस्था, हाथ में अच्छी तरह से पकड़िए प्रसाद को, बच्चे लोग को देखिए। यहाँ पर जो है सीसीटीवी से अनोखा तस्वीरें जो है अभी आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर सीसीटीवी के द्वारा निगरानी किया जा रहा है कि हालांकि कोई असामाजिक तत्व इस मेला में घुस कर, आप सभी श्रद्धालु भक्तगण बाबा के दरबार में आए, हमारी नवीन वर्षा गणेश पूजा समिति हाई स्कूल गणेश चौक, आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता है और करता रहेगा। अभी अभी जो प्रसाद वितरण किया जा रहा है, वह प्रसाद हमारे रामनाथ धनौली